हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और हमारे साथ इस वीडियो में हैं आरकोदेव, आरकोदेव घोष, इनको शॉर्टकट में हम लोग आरको बोलते हैं। ये भी सीएमआई से पीएचडी कर रहे हैं। पिछले साल ये हमारे पास आए थे लॉकडाउन क्लास में और बहुत इंजॉय किया था हमने साथ में मैथमेटिक्स। और चलिए इनसे हम लोग सीखेंगे कि कैसे इन्होंने अपना पढ़ाई किया, क्या क्या इनके डिफिकल्टी आई, क्या क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन्होंने फेस किया और कैसे इस चीजों से ये उभरे और अपना पढ़ाई को मैथमेटिक्स को मेंटेन किया, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट को कायम रखा जो अभी तक बहुत अच्छा है और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए इनसे हम लोग बातचीत करते हैं और इनसे हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे इनके लाइफ से। ओके आरको, थैंक यू, आपने समय निकाला और दिया, बहुत अच्छा लगा। कुछ अपने बारे में बताइए कि आरको देव को हम लोग जो जानते हैं वो कौन है, मतलब क्या है, थोड़ा अपने बारे में बताइए। वेस्ट बंगाल एंड नॉर्मल लाइफ आई डिड लीव द नॉर्मल लाइफ आई बिलोंग फ्रॉम अ स्मॉल विलेज नियर मेदिनीपुर या ऑल अच्छा नॉन अच्छा एंड अच्छा वो जो अम्फान पिछली बार मेरा आया था उसी टाइम पे आया था जहां पे आप रहते हैं, वही एरिया है नहीं, मेदिनीपुर? इधर नहीं है मेनली सी साइड पे हुआ था, बट कोस्ट अच्छा, साइड पे आप लोग बच गए मेरा थे। घर। हाँ सर, अच्छा, और आपके पिताजी, घर का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हैं वो लोग? नहीं मेरा पिताजी टीचर है, स्कूल टीचर। अच्छा, स्कूल टीचर है। अच्छा, तो थोड़ा सा अपना बचपन का बताइए, क्या चीज आपको फैसिनेट किया मैथ्स के लिए कि नहीं यार आप जो करना है मैथ ही करना है, ऐसा क्या फैसिनेट किया आपको, थोड़ा उस चीज में हमें बताइए ताकि जो बच्चे देख रहे होंगे वो कुछ इंस्पायर होंगे। Just love to do it. Means जो स्कूल लाइफ मुझे बहुत अच्छा लगता था। बेसिकली इंटीग्रेटेड ज्योमेट्री, तो उसका जो डायग्राम है, तो ये बहुत खुद से करने को मिलता था, यूक्लिडियन मैनिपुलेट ज्योमेट्री थिंग। होगा। अच्छा या अच्छा अच्छा कौन सा ऐसा बुक आपने पढ़ा था? नॉन हाँ, कौन सा, लाइक टेस्ट अप टू बुक, टेंथ रेगुलर टेस्ट बुक, रेगुलर टेस्ट बुक? अच्छा, वाह तो वाह, उसमें तो फॉर्मूला, तो ये सब तो मुझे लगता था कि जस्ट रिमेम्बरिंग थिंग्स, जस्ट देर आर नो स्कोप्स इन प्रूविंग लाइक थ्योरम्स इन स्कूल। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली या दैट आई डोंट फील दैट आई कुड प्रूव एट दैट लेवल, सो डिड नॉट, आई अच्छा डोंट लाइक टू रिमेम्बर थिंग्स, सो दैट आई फॉरगॉट एवरीथिंग। सो दैट्स व्हाई आई लाइक ज्योमेट्री एंड त्रिकोणमिति, मींस दैट इज कॉल्ड पेरिमेट्री एंड पॉलीनोमियल। अच्छा तो वहां से देयर आर चीजें यू कैन आपके लिए सी मतलब चेंज होना शुरुआत हुआ कि नहीं? बड़ा लग रहा है, फैसिनेटिंग लग रहा है। फैसिनेटिंग लग रहा है कि यू कैन सी द थिंग। देन आई रियलाइज, देन आई गो टू कॉलेज एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी। अच्छा, देयर वहां पे देयर सिचुएशन चेंज हो गया, वहां पे सिचुएशन एकदम चेंज हो गया, मतलब जो चीजें आपके बचपन में थी कि कोई प्रूफ नहीं मिल पा रहा वो चीज वहां पे आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तो ऐसा? प्रूफ मिल रहा था। मीन थ्योरम्स आर नॉट जस्ट यू कैन जस्ट स्टेटमेंट, दे आर यू कैन प्रूव इट फॉर्मली। वाह, यू कैन प्रूव इट फॉर्मली। तो वहां पे पढ़ते समय कुछ अच्छे टीचर्स या कुछ ऐसे भी लोग आपको मिले होंगे जो आपको और पुश किए होंगे कि नहीं, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है मैथ्स में, तो मैथ्स में आगे बढ़ो, ऐसा कुछ हुआ होगा आपके साथ? पर्सनली तो नहीं हुआ, बट इन जनरल क्लास में होता था कि प्रोफेसर बोलते थे कि सबको ही बोलते थे इन जनरल, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं कि यू कैन थिंक देन यू शुड डू मैथमेटिक्स एंड यस टू इफ डू यू शुड मैथमेटिक्स, एग्जैक्टली, लाइक। यस दैट वाज हैपनिंग मेनली इन रियल एनालिसिस क्लास, आई कैन रिमेम्बर दैट एनालिसिस क्लास। दिस इज द अच्छा, थिंग हियर यू कैन, दिस थिंग्स इज नॉट दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न, यू हैव टू डू समथिंग प्रूफ समथिंग, दैट इज डिफिकल्ट, मींस नॉट या एन ईजी थिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली अंडरस्टैंड। तो कुछ ऐसे टीचर मिले थे बीएससी के पहले जो आपको मतलब थोड़ा बहुत आपके पोटेंशियल को देखे हों और बोले कि नहीं बेटा इसी में स्कूल रहना है, स्कूल में दो टीचर्स बोले उनका थे कि नाम मुझे बताएंगे? बहुत, नाम बताएंगे, बहुत सारे बच्चे जो होंगे बंगाल से उनको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि हाँ यार ये टीचर आरको आगे बढ़ने में इस टीचर का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्या नहीं नाम है? मैं मुझे ऐसा कोई नाम तो मुझे ठीक याद याद नहीं, वो स्कूल के नाम। टीचर्स थे, हाँ स्कूल के मतलब मीन्स जो बचपन स्कूल? में थोड़ा,
अच्छा बचपन के, अच्छा मतलब होता नहीं कि 10th 11th या फिर 9th 10th तक आते आते कुछ होता है कि नहीं यार आगे जाओ, तो कभी मन लगा नहीं कि बीटेक वगैरह करें 12th के बाद? ऐसा कुछ नहीं लगा आपको कि नहीं बीटेक इंजीनियरिंग सेक्टर में जाएं या ऐसा कुछ? हाँ, मुझे लगा था कि सोचा था कि जाएंगे, लेकिन उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक अच्छा नहीं हुआ, इसीलिए एक रीजन है कि WPG मैंने दिया था, रैंक अच्छा नहीं हुआ, तो लेट्स मूव ऑन टू मैथ, जियो अब मैथ में आपका पैशन था ही? मैथमेटिक्स। हाँ अच्छा, तो फिर अच्छा ही अच्छा हुआ। अच्छा उसके बाद जो अब आते हैं आपके रिसर्च वगैरह में, आप किस में अभी पीएचडी कर रहे हैं कि? PhD अभी तो मैं इधर पढ़ाई करना पड़ता है, कोर्स वर्क होता है, उसके बाद तो मेरे क्या है, देन आई गोइंग टू IIT खड़गपुर, देयर आई गेट इन टच विद सम प्रोफेसर्स एंड डू सम प्रोजेक्ट। दैट माय प्रोजेक्ट टॉपिक वाज सम पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक जियोमेट्री, अच्छा एंड देयर आई लर्न कम्यूटेटिव एल्जेब्रा, देन आई रियलाइज दैट जियोमेट्री, देन there is huge difference between Euclidean geometry and the modern मॉडर्न geometry. ज्योमेट्री, यस, एंड 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 देयर इज अ जबकि लॉट लॉट गैप, थोड़ा बहुत गैप भी है। गैप, यस, या आई अंडरस्टैंड, आई सो दैट अंडरस्टैंड फॉर दिस यू हैव टू लर्न लॉट्स ऑफ मशीनरी, सो इट्स नॉट जस्ट यू लॉट कैन ड्रॉ डायग्राम एंड दैट डू लॉट इट, ऑफ सो टेक्निक्स, लॉट ऑफ लॉट ऑफ टेक्निक्स टेक्निक्स, यू हैव टू लर्न एल्जेब्रा, कम्यूटेटिव अलजेब्रा ओ एंड माय टू लर्न गॉड, सम होमोलॉजी। होमोलॉजी, एल्जेब्रिक टोपोलॉजी, होमोलॉजिकल एल्जेब्रा, हाँ स्कीम यस, थ्योरी, यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एल्जेब्रिक ज्योमेट्री एट ऑल, यू नो थ्री। ज्योमेट्री, तो टू गेटिंग टू फील सम वा एंड टू रीड सम रिसर्च पेपर और समथिंग, गिव यू लॉट्स ऑफ बैकग्राउंड। बट यू नो एट द एंड इट पेड ऑफ, राइट? एट द एंड जब आप करते हो तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ यार जो किया मस्त किया, बहुत अच्छा किया। एट द एंड ये अंदर से लगता है कि नहीं बहुत अच्छा रहा, ठीक है। और फिर कैसा रहा था इंटरव्यूज वगैरह बाकी जगह जो आपने दिया था इंटरव्यूज वगैरह, क्योंकि अब इंटरव्यू का टाइम चल रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, तो कैसा रहा था आपका इंटरव्यू इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ये सब वो सब? में तो 3 4 जगह इंटरव्यू दिया था, इधर कोलकाता IISc एंड इधर मोहाली एंड CMI। तो फर्स्ट इधर कोलकाता और आई कोलकाता में इंटरव्यू मेरा इतना अच्छा नहीं गया था, क्योंकि अच्छा, या, आई वाज देयर, आई वाज देयर। आई टॉक टॉक विद दैट टाइम, आई वाज आल्सो टेकिंग कोचिंग फ्रॉम, देन IISc में वो अच्छा गया, मतलब आई आंसर ऑलमोस्ट ऑल थिंग दैट एक्सेप्ट वन क्वेश्चन आई डू नॉट आंसर प्रॉपर्ली, दैट हाँ, अच्छा, वाज सम क्वेश्चन रिगार्डिंग LHP स्पेस, आई ओके, यू आर, रियलाइज दैट एनालिसिस नॉट, यू हैव और टू लर्न सम मेरा थ्योरी प्रॉपरली। वो एनालिसिस का गढ़ है जहाँ आप आईसी का इंटरव्यू दे रहे थे, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन एनालिसिस एनीवे। और व्हाट अबाउट आईसर, आईसर मोहाली, व्हाट वाज मोहाली, योर? दैट वाज वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। सो आई हैड शेड्यूल टू इंटरव्यू इन आफ्टरनून सेस, सो देयर वाज अ इंटरव्यू, आई इंटरव्यूड फॉर अस इंटरव्यूड फॉर हाफ एन आवर, देन इंटरनेट गॉट कट अरे एंड दे टोल्ड मी टू वेट फॉर सम मोर टाइम, यू कैन वेट फॉर 1 or 2 hours एंड देन आई अगेन यू विल बी इंटरव्यू, देन दैट वाज द साइन दैट दे वर इंटरव्यू वेरी वाज मच टू सेशन। इंटरेस्टेड इन यू, वही साइन था कि वो आप में इंटरेस्ट ले रहे थे, कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन का आंसर अच्छा दे रहे होंगे इसलिए उन्होंने वेट करने के लिए बोला, नहीं आंसर अच्छा दे रहे होते कि बेटा ठीक है चलो हो गया तो वो साइन था, तो उसमें फील आया था कि क्वेश्चन ऑल द क्वेश्चंस दे आस्क फ्रॉम एलजेब्रा, सो दैट्स एलजेब्रा, व्हाई एंड मोस्ट ऑफ द वो क्वेश्चंस आर फॉर एलजेब्रा, एंड देन लास्ट क्वेश्चन लास्ट 2 3 क्वेश्चन आस्क फ्रॉम ऑपरेटर एलजेब्रा, अच्छा तो सो ऑपरेटर एंड एलजेब्रा। कॉम्पैक्ट हाँ कॉम्पैक्ट ऑपरेटर एंड देन व्हाट डू हाउ डू यू थिंक समथिंग, या सो ऑलरेडी नोन रिजल्ट लाइक द इंटीग्रल ऑपरेटर दैट हाउ टू सॉल्व इंटीग्रल हाँ इक्वेशन एंड देन हाउ यस डू यू अप्रोच फ्रॉम ऑपरेटर टू इंटरेस्टिंग यस 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 क्वेश्चन। एंड व्हाट अबाउट सीएमआई? CMI's interview, they asked some question from, first question was from Galois theorem,
you have sent me that question. I can remember the question. So suppose you are given some finite group, how do you realize this at the Galois group of some extent? वहां पे जो आपने मुझे क्वेश्चन भेजा था मुझे याद है, मतलब सब एक तरीके के क्वेश्चन जो थे सारे के सारे मुझे लगता है बाउंसर थे, अनएक्सपेक्टेड बाउंसर आ रहा था आपके पास, अनएक्सपेक्टेड था मतलब बट आपने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया, उसी का रिजल्ट है कि ये सीएमआई में, मैं फिर से बता दूं, आर्को देव अभी सीएमआई में है और वहीं पे पीएचडी स्कॉलर है ये, और ये उनका दूसरा साल है और बहुत अच्छा कर रहे हैं वहां पे भी अभी। और कैसा एक्सपीरियंस रहा था यहाँ पे नोवल फोरम में जो लॉकडाउन क्लास हमने स्टार्ट किया था वो पढ़ने का, आपको कैसा रहा था एक्सपीरियंस? डिड यू एंजॉय दैट? तो बहुत ही अच्छा था। तो यस श्योर, वन थिंग आई लर्न दैट समटाइम्स यू हैव टू लर्न फ्रॉम वेरी बेसिक, आई जस्ट दैट वाज माय प्रॉब्लम दैट यू दैट करेक्टेड मी एवरी ऑल द टाइम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दैट यू शुड फोकस मोर ऑन बेसिक। That helped me somehow in interview. And actually, you had potential. My role was nothing. It was your potential, and you have that talent, and you got. I mean, you deserve that CMI. I mean, that's. And in fact, during your ISI exam, there was the pandemic, and you didn't go to write that exam. Yeah, then I did not write that exam. Oh. And the paper was so easy. And have you seen that paper? Yeah. Paper was so easy last year. No, no, I have not. It's so. But anyway, I'm very much happy for you. And what the message you want to give to the this your juniors, your classmates, your the person who's graduating from like BSc, MSc, what you want to give the message if they are targeting for PhD in mathematics or want to enjoy the subject? Yeah, just enjoy and just learn from the scratch. And I mean, those cannot pass. What I realize is you cannot pass things by remembering the theorem. Yeah. You can apply the theorem in some problem, but you have to sometimes you have to learn the problem. It helps somehow. Otherwise, reading notes and this thing does not help much in. I actually made one video notes. You know, a lot of students are asking, sir, will I get the notes in class and all that? I said, man, through notes you'll get. I see her premier issued for PhD. Yeah. I mean, what should I say? Okay, bachcha hai, sab apna bachcha hai, kya karoge? Thoda sa jo samjhana hai, samjhana padta hai. Anyway, theek hai. Arko, bolo, bolo. You are saying something. Proof is something that somebody worked hard to prove this. Yeah. Respect their work. You cannot just use it. Yeah, exactly. Acknowledging their work. You said very good thing. You know, in future you will also write a paper. तो जब आप paper लिखोगे तो जो reference आपने use किया है उसको नीचे में आप लिखते हो, right? वही चीज नहीं होता है। तो वही चीज आपने सेम कहा कि जो आप थ्योरम पढ़े हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई थ्योरम पढ़ा कि चलो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, अब उसको बस याद कर लिया, उसका स्केच नहीं देखे कहां सारा है, यू शुड रिस्पेक्ट दैट। बहुत अच्छा चीज आपने चीज बोला, बहुत इसी का रिजल्ट है ना, यही आपका एक डेडिकेशन था। बोला ना, मेरा कुछ रोल ही नहीं था, आई मीन इट्स योर पैशन दैट यू आर इन दैट गुड प्लेस, एंड बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है आरको, फिर हम लोग मिलेंगे, हम लोग तो बातचीत करेंगे। इट्स नाइस टॉकिंग यू एकदम, मुझे भी बहुत खुशी लगा आपसे मिलके, देख के आपको, और हेयर कट आपका बढ़ रहा है लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, है ना, धोनी की तरह लग रहे हैं आप, ऐसे रहिए, फिर मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द। ओके, ठीक है, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और अपने माँ बाप के और दर्शक जो बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो, अपना ध्यान रखें। पैनेडेगु में केसेस कम हो रहे हैं बट तो भी सुरक्षा रखना है और ध्यान रखना है। और अभी देखिए जो आरकोब है अभी एक साल से अपने घर से ही सीएमआई का क्लास कर रहा है, अभी सीएमआई वालों ने भी नहीं बुलाया, तो समझ जाइए कि पैनेडेमिक कितना, क्या बोला था सीएमआई वालों ने आपको आरको कि अभी नहीं आना है, क्या उन्होंने बोला है? What they told you? सबको मतलब जो नया बच्चा एडमिशन हुआ सबको बोला कि that courses will be running from online will be running through online mode and you have to wait some time, we'll see the situation and then we'll decide. That is it. इसीलिए pandemic में थोड़ा अपना ध्यान रखिए, okay? आप खुश रहेंगे। Most of the institutions are closed. Yes. Everything is. तो इसीलिए थोड़ा सा इस चीज में थोड़ा ध्यान रखिए और बस सीखिए, इनसे सीखिए, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस इंटरव्यू में,
और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए सब्जेक्ट को. ओके, वंस अगेन आर्को, थैंक यू, टेक केयर. ओके, चलो बाय.